आज मैं यहाँ दीप स्टूडियो आदर्श नगर अपना लोखनवाला में आई हूँ। आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार। और ये फिल्म का नाम है राजू आर्ट पेंटर। राजू आर्ट भी करता है, पेंटर भी करता है। तो और गाने के जो बोल है क्या, मस्ती छाई रे बाबा मस्ती छाई, अंग अंग बदन ये सिहरने लगे, बाप रे खतरनाक है। और अपने राजेश घायल जी ने इसको संगीत से संवारा है। और अभी मैं गाने जा रही हूँ, अभी आई हूँ मैं, तो अभी लिख रही हूँ गाना। तो आई वॉन्ट टू विश द होल यूनिट, प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर द फुल यूनिट ऑल द बेस्ट, गुड लक। बहुत अच्छा फिल्म बनाए, अच्छे चले और चलते रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो भी गाने आते हैं, गाने के बोल बहुत मायने रखते हैं, गाने को मतलब यू नो मीनिंगफुल, लेकिन आज के दौर में ऐसे बहुत कम गाने आते हैं जिनमें गाने का मीनिंग होता है, अर्थ होता है। क्या कहना चाहेंगे, ये कितनी दुखी बात है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी प्यार जो है सदियों से चलता आया था, है, रहेगा, है ना। तो प्यार का गाना तो होना ही चाहिए। और ये भी मस्ती छाई रही लड़की, कोई जवान लड़की को मस्ती छाई है तो गाना गा रही है, तो ये मीनिंगफुली अच्छा लग रहा है, यू नो। और एकदम हम लोग डीप में हम लोग सोचने जाएंगे कि मीनिंग के लिए, तो फिर वो क्या बहुत ज़्यादा गज़ल टाइप का और एकदम ये हो जाता है, यू नो। सो अभी बच्चे जो है, जो छोटे होते, जब हम भी छोटे थे तो हमको भी डीप मीनिंग समझ में नहीं आता था, जो चलता फिरता गाना था वही हमको समझ में आता था, हम गाते थे, है ना। तो ऐसा मुझे लगता है, बहुत डीप मीनिंग में करेंगे तो फिर ज़्यादा चलेगा भी नहीं। अब कोई किसी को उर्दू बहुत ज़्यादा हैवी है तो समझ में भी नहीं आता है, थोड़ी बहुत हमको सबको समझ में आती है ना। तो आई डोंट बिलीव इन दैट, यू नो, यू हैव टू हैव डीप मीनिंग एंड डीप मतलब बम्बेस्टिक वर्ड्स, नो आई डोंट थिंक सो। सिंपल वर्ड्स, सिंपल गाने चलते हैं और चलता रहेगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि एक ही परिवार में हर कोई संगीत से जुड़ा हुआ है और हर कोई कामयाब है, तो आपस में कितना ज्यादा मतलब डिस्कस होता है संगीत क्या, कुछ और भी? कभी-कभी होता है लेकिन हमेशा नहीं। घर में तो अपना घर जैसा जब सबका होता है, नॉर्मल हाउस ऐसा ही होता है, हम लोग भी अपने डिस्कस करते हैं, ये खाए हो गए, वहाँ इधर आए, ऐसा हो गया, हाँ कभी कभी शो ऐसा हो गया, अच्छा हो गया, थोड़ा होता है लेकिन नॉट ऑल द टाइम, जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं है। और फिल्म प्रोडक्शन में भी आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म प्रोडक्शन में? और कोई फिल्म प्रोडक्शन में थी, अभी इतना ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन देखती हूँ, अभी हो भी सकती हूँ नहीं भी, क्योंकि शो और रिकॉर्डिंग से ये है, घर भी देखना पड़ता है, फिर सारा चीज़ है, तो जरूर करूंगी बाद में अच्छी अच्छे से फिल्म। लास्टली पूछूंगा, आज के दौर में जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, जो जो भी आर्टिस्ट है, सिंगर की बात करें, कितना ज़्यादा उनके पास मौका है और किस तरह से वो उस मौका को फ़ायदा उठाना चाहिए? अगर आज के जनरेशन के बच्चे बहुत लकी है, दे आर वेरी लकी कि उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए रियलिटी शोज़ हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब है, अपना गाया यूट्यूब में लगा दे, अगर आप में हुनर है, आपके तकदीर अच्छा है तो आप चल जाते हो। सो दे आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन दिस स्टे, यू नो, लाइक टूडेज एज। सो ऑल ऑफ देम विश यू गुड लक, अच्छे अच्छे टैलेंट जो छुप नहीं जाएंगे, ऐसे ये नहीं सड़ नहीं जाएंगे, तो उभर के आएंगे। अगर आपका तकदीर अच्छा है, आपको पसंद किया और आप में हुनर है तो आप छा जाओगे, डांसर हो, सिंगर हो या कोई भी क्षेत्र में हो। थैंक यू वेरी मच। नाम शत्रुघ्न यश मंडल। ये पिक्चर इसलिए बना रहा हूँ, क्या है, आज के दिन में हर इंसान जो है, हर इंसान के पास कोई ना कोई काला चीज़ छुपा हुआ रहता है। जैसे कि आज किसी का पूरा फैल गया है, किसी ऐसा छुपा हुआ अंदर में रहता है, तो एक ऐसा मेरे को दिल में लगा, साला मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं इतना कलाकार हूँ, मैं अपना कला को थोड़ा प्रचार प्रसार करूँ। आदमी को जिंदगी कैसा चल रहा है, हर इंसान अपने अपने काम में, अपने अपने बिजनेस में व्यस्त रहता है। आप में क्या कला है और किस तरह से उस कला का उपयोग करने वाले हैं? मेरा सर ऐसा कला है, जैसे आप है वैसे मैं कहीं पर अपना चित्र बना सकता हूँ। क्या बात है, जैसे चित्र बना सकते हो, कोई भी पिक्चर दे दो उसको देख के बना सकता हो, उसका अपना थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चित्रकार हैं आप? जी सर, चित्रकार। मेरा नाम संजय झा है और हमारे डायरेक्टर श्री भावेश जी, श्री भावेश जी ये मुझे दूसरा चांस दिए हैं। इस फिल्म में मैं हीरो का वेल विशर हूँ और बहुत अच्छा रोल है मेरा, बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है ये। तो इससे पहले कौन से प्रोडक्ट में काम किया आपने? मैंने भावेश जी के ही एक फिल्म है विजय रथ, जो मई जून में आने वाली है, उसमें मैंने मेन विलेन का रोल किया हुआ है, तो उसके बाद मुझे ये दूसरा रोल मिला है उनका, जो हीरो का मैं वेल विशर हूँ। आगे भी तो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जी, उनके उनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कुछ वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे काम असल में ढूंढ ही रहा हूँ। मेरा नाम आलम खान है और क्या नाम से, इस मूवी में मैंने एक नेगेटिव रोल किया है, तो इसमें क्या है, मैंने हीरो को थोड़ा डिस्टर्ब किया है, उसको छेड़ता हूँ, परेशान करता हूँ, वो जो भी जैसे वो शादी का प्रोसेस है उसमें भी उसको परेशान किया है, वो पेंटिंग करता है, कुछ भी करता है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ पूरी मूवी में। इससे पहले क्या कर चुके हैं?
इससे पहले अभी हमने एक मूवी की है जो हमारे डायरेक्टर हैं भावे सर, उनके साथ एक मूवी की है, उसमें मेरा सीएम के बेटे का रोल है। हाँ बस आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम और बताइए किससे जुड़ा इसको। मेरा नाम गोविंद है, मेरा यह फर्स्ट मूवी है, भावेश जी ने मुझे जोड़ा इस मूवी में। मैं इनके साथ ही हूँ, विलेन हूँ, और राजू भाई जो हैं उनकी मूवी है, उनका स्ट्रीट फाइट स्ट्रीट जो भी है स्ट्रीट विलेन का रोल कर रहे हैं हम। इससे पहले आप क्या कर रहे थे और क्या करना? ये फिल्म बहुत अच्छी है, बनेगी एक कला आर्टिस्ट कैसा होता है और कैसे लोगों के अंदर छुपा आर्टिस्ट, इसे निखारा गया है, इसे निकाला गया है। तो इसमें राजू भाई जो हैं वो अपना आर्टिस्ट अपना कला निखार रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लोगों की एक आर्टिस्ट होता है तो कैसा होता है, लोगों को क्या करना चाहिए आर्टिस्ट। आजकल हमारे इंडिया में बहुत आर्टिस्ट छुपे हुए हैं लेकिन हम दिखा नहीं पाते, जैसे बिहार से लोग जो बहुत पुराना गांव होता है, एकदम पुराना पुराना गांव, वहां से लोग निकल के आते हैं फिर कुछ नहीं कर पाते। तब ये आए हैं मुंबई में तो अपना जो कला उनको लोगों को दिखाया है, इन्होंने बताया कि कला क्या होता है, कला से आदमी कहाँ पहुँच सकता है, तो वो तो उसी में हम विलेन का रोल कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम कैलाश कुमार झा है, मैं भावे जी के साथ काम कर रहा हूँ, उनका ये मतलब एक्टिंग आर्ट एकेडमी है, उस बैनर के तले हनुमंता फिल्म्स के बैनर तले फिल्म बन रही है राजू पेंटर करके है, तो मैं उसमें बिहारी बाबू करके एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मैं जीवंत कर रहा हूँ उस फिल्म में। तो रहने वाले कहाँ बिहार? जी मैं बिहार के रहने वाला, बिहार में मधुबनी का। तो कब से इस लाइन में? इस लाइन में सर लगभग 15 साल हो गए मुझे। अच्छा। हाँ तो ये मेरी चौथी फिल्म है, तो भावे जी ने दूसरी पे चांस दिया मुझे, तो मतलब वही मतलब ये मतलब बिहारी कैरेक्टर के हिसाब से मतलब लोंग टोन जो है बिहार का टोन है इस फिल्म में। इस फिल्म से पहले कौन सी फिल्म में काम किया? इस फिल्म से मैंने विजय रथ किया है उन्होंने। अच्छा। हाँ जी आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में और क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में आप? सर मैं इस फिल्म इस फिल्म में मैं हीरो का सहयोगी हूँ, जो काम करते हैं उनमें मैं उनका साथ दिया हूँ। ये पहली फिल्म है आपकी? नहीं सर मेरी दो तीन पिक्चर में मैंने काम किया है। कौन से पिक्चर में? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा जिला। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? पहले जो फिल्म में काम किया उसमें क्या रोल था, कौन सी फिल्म थी? उसमें भी मैं नेगेटिव का रोल किया हूँ। अच्छा। थोड़ा चोरी किया हूँ और फिर इधर उधर। एकेडमी से जुड़े हैं? कौन सी एकेडमी है? हाँ सर का हमारा क्लास चलता है एक्टिंग आर्ट्स एकेडमी, और हमारे भावेश सर हैं और सर मुझे सिखाए, टीच किए हैं और मुझे चांस दिए। सर एकेडमी में जो भी मतलब बच्चे आते हैं बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं सर, मतलब हर तरह से उनका जो थीम है समझाने का, बच्चे को उजागर करने का एकदम फर्स्ट क्लास मतलब ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, वॉइस में मतलब कैसा रोना है, कैसा ब्लाइंड का एक्टिंग करना है, मतलब हर तरह से वो अपने हिसाब में मतलब पूरा तैयार करते हैं बच्चे को वहाँ पे। वो ये पिक्चर का नाम है राजू आर्ट्स पेंटर, ये एक आर्टिस्ट है, कलाकार है ये। कलाकार क्या है, कलाकार का क्या इज्जत होता है, आर्टिस्ट होता है जो कोई भी हर चीज़ आदमी इंसान के पास कलाकार छुपा हो रहा था, काला छुपा हो रहा था, आर्टिस्ट छुपा रहा था जिसका आर्टिस्ट बोलते हैं। तो क्या है सर ये जो जैसे कि मैं चित्र बनाता हूँ, कोई बाँसुरी बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई कुछ बनाता है, ये कलाकार है होता है, तो वही कलाकार का अपना जो है ना थोड़ा फैलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इसका क्या इज्जत होता है, क्या मार्केट में क्या ये होना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़े आदमी बन गए, किसी के पास कोई भी चीज़ छुपा है वो बहुत छोटे है, वहीं सर थोड़ा दिखाना चाहता हूँ ये क्या है, आर्टिस्ट होता है एक, उसके बारे में सर अपना थोड़ा। देखिए मेरा नाम संजय झा है और इस फिल्म में मैं हीरो का वेल विशर हूँ। ये हीरो जो होता है वो कलाकार होता है और जो इज्जत मिलना चाहिए समाज में कलाकार को उतना इज्जत नहीं मिल पाता है, तो उसी के ऊपर ये पूरी फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। उसमें जो होता है पब्लिक से समझिए कि एक समाज से लड़ाई और समाज के साथ लड़के जो इनको इज्जत दिलाना है वो काम मैं करता हूँ और बहुत अच्छा ये मूवी बनेगा। ये मेरी दूसरी फिल्म है, हमारे डायरेक्टर भावेश जी ने ये दूसरी फिल्म बना रहे हिंदी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।